बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की खबर जब प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। साथ ही ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि इससे पहले भी कई बार बिजली पानी की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि हम कई बार बिजली पानी की समस्या से आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आश्वासन देने के अलावा आज तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। इलाके में बिजली पानी की समस्या के कारण अनेक परेशानी आ रही है। त्योहार को छोड़कर मुस्लिम समुदाय के लोग भी ग्रामीणों के साथ समस्या के निराकरण के लिए सड़क जाम करने में सहयोगी बन गए। हम सभी को बकरीद जैसे त्योहार में सड़क जाम कर अपनी समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना पड़ रहा है। पानी की समस्या है, गाँव में एक ही बोर है, कोई पंचायत का है और पंचायत का बोर अभी उठ नहीं रहा है। लाइट की समस्या में यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है मेन वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, हमेशा लाइट गोल रहती है, आ गई लाइट तो वोल्टेज प्रॉब्लम है। तो एक ही ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा गांव है, अगर यहाँ पे अगर एक ट्रांसफार्मर और हो जाता, मुड़की में हो जाता। अभी मुड़की में एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है। जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है वो डांड विदयपुर में है। अगर हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर हो जाता तो मुड़की की जो लाइट की समस्या है वो ख़त्म हो जाती और बोर बाकायदा उठता यहाँ पे और सबको पानी मिलता। तो मेन ये है यहाँ पे सिर्फ लाइट की समस्या है। अगर लाइट अगर आ जाएगी तो बोर मिल जाएगी, बोर का पानी मिल जाएगा सबको। सर हमारे यहाँ से यह गांव में 7 दिन से हो गया लाइट बराबर नहीं आ रही, अलग पानी की समस्या है और 6-7 दिन से कंटिन्यू MP भी जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ बोलते हैं लाइनमैन बुलाओ। यहाँ गांव में पता ही नहीं है कि लाइनमैन है कौन हमारे गांव का, फ़ोन लगा तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। वह बोलते हैं कि नहीं, बस एक बार और रोड जाम किया गया था, उसमें भी आश्वासन दिया गया। डिंडोरी से 2-3 किलोमीटर हमारा गाँव है, डिंडोरी से कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को? और मुड़की से जो है 6-7 गाँव जुड़े हुए हैं, वहाँ भी यही रोना है। डिंडोरी से 3 किलोमीटर में डिंडोरी से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है हमको, क्या करें सर? मजबूरी है सर, पानी की समस्या को लेकर मजबूरी है, लाइट की समस्या है सर, यहाँ पर नहाने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है सर, तो रोड पे नहीं उतरेंगे, क्या करें सर? प्रशासन हमारी मांगे को तो कुछ सुनते ही नहीं है। पिछले बार भी आश्वासन दे के चला गया, पानी आएगा बोले, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है सर। प्रशासन जब सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे सर, बताइए आप ही लोग। बिजली विभाग के सहायक यंत्री राजकुमार मरावी ने कहा कि बिजली की समस्या का निराकरण करने के लिए ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। जो है जो लाइट की समस्या है शायद कल से, उसमें अपन तो आप लोगों के यही है कि हमको 24 घंटा लाइट चाहिए ना, 24 आवर्स, उसमें अपन तो पूरा काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लाइन स्टाफ जितने भी है अच्छे से काम करें, और उनको निर्देशित कर भी दिया हूँ कि किसी का भी फ़ोन है तो अटेंड करें, और हम चाहते हैं अगली बार ऐसा ना हो, पूरी कोशिश करनी होगी। अभी 2-3 दिन से क्या है, बारिश का मौसम की वजह से भी बड़ी दिक्कत हो रही है और हमारे पास ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा दिक्कत ना आए। बरसात का मौसम है, मानसून का है, कोशिश करूँगा कि नहीं होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।